हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज की मेरी रेसिपी है स्पाइसी ऑमलेट पोटैटो करी, जो कि बॉयल्ड राइस के साथ या रोटी चपाती के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। ये एक बहुत ही आसान रेसिपी है और साथ ही साथ बहुत टेस्टी भी होती है। इसे एक बार ज़रूर घर पर ट्राई कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऑमलेट करी बनाने के लिए मैंने 6 अंडे ले लिया है और लिया है एक मीडियम साइज के बारीक कटा हुआ प्याज, और हमने लगभग 1 टेबलस्पून ऐसे बारीक कटी हुई अदरक ले ली है, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, तो सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और इसमें अंडों को एक एक करके तोड़कर डाल देंगे। इसके साथ बाकी के इंग्रेडिएंट्स को मिला देंगे। और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इसे अच्छे से फेंट लेंगे। एक का बैटर तैयार है, तो अब हम इसका ऑमलेट बना लेंगे। तो इसके लिए एक फ्राइंग पैन ले लिया है और इसे अच्छे से गरम करके इसमें तेल डालेंगे। तेल गरम होने पर हम इसमें एक बैटर डाल देंगे। ऑमलेट को हम स्लो आंच में 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम इसे छोटे पीसेस में काट लेंगे और फिर एक एक करके फ्लिप करेंगे। इस तरह से आप इसे पीसेस में काट कर अगर फ्लिप करेंगे तो आप इसे अच्छे से फ्लिप कर पाएंगे और ऑमलेट टूटने का डर भी नहीं रहेगा। अब दूसरे साइड से भी हम 2 से 3 मिनट तक स्लो आंच में पकाएंगे। देखिए, दूसरे साइड से भी ये अच्छे से पक चुकी है। और गैस ऑफ कर देंगे और इसे अलग से हटा कर रख देंगे। अब हम इसका ग्रेवी तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई को गरम करके इसमें तेल डालेंगे। तेल गरम होने पर हम इसमें एक बड़े साइज के आलू को ऐसे लंबे टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। आलू को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई होने पर हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब इस बचे हुए तेल में हम ऐड करेंगे 1 तेज पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च और 1 चम्मच जीरा।
इन्हें हम कुछ देर तक पकाकर इसमें एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को एक मिनट तक पकाकर इसमें ऑनियन पेस्ट डाल देंगे। यहाँ मैंने दो मीडियम साइज के प्याज को पेस्ट बनाकर डाला है। इसे हम कुछ देर तक पका लेंगे। इसे ज्यादा नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट तक ही इसे अच्छे से पकाना है। प्याज पक चुकी है तो अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर को पेस्ट बनाकर डालेंगे। टमाटर को प्याज के साथ मिलाकर कुछ देर तक पका लेंगे। देखिए टमाटर पक चुकी है तो अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटा चम्मच। मसालों को अच्छी तरह से मिलाकर कुछ देर तक पका लेंगे। मसाला पकने पर हम इसमें 2 कप उबलते हुए गर्म पानी डालेंगे। ग्रेवी को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमने गर्म पानी डाला है इसलिए इसमें देखिए उबाल आ गई है। तो अब हम इस ग्रेवी में अपने फ्राई किया हुआ आलू डालेंगे। आलू को ग्रेवी में मिलाकर एक एक करके ऑमलेट के पीसेस डाल देंगे। ऑमलेट के पीसेस को हम ग्रेवी में अच्छे से डुबो देंगे। अब हम इसे एक ढक्कन लगा देंगे और 8 से 10 मिनट तक स्लो आंच में पकाएंगे। 10 मिनट बाद हम ढक्कन खोलकर चेक करेंगे। देखिए देखिए ऑमलेट के अंदर तक ग्रेवी पहुंच चुकी है। ऑमलेट पीसेस को एक बार फिर से पलट देंगे। ऑमलेट पोटैटो करी तैयार है। अंत में हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। गरम मसाले में मैंने छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी को सेम प्रोपोर्शन में पाउडर बनाकर डाला है। गरम मसाले को हम ग्रेवी में मिला देंगे। रोटी, चपाती, राइस के साथ इसे खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्द मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।